Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. A very good afternoon to all of you. Welcome to Testbook Select and जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ फिर आज का सेशन शुरू किया जाए. दैट इज बेस्ड ऑन अगेन सिटिंग अरेंजमेंट एंड होप यू ऑल आर वेल हेल्दी. और जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ. होप आप सब बहुत 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 मस्त हो. सो आफ्टर संडे लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन दैट इज बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट. वेरी गुड आफ्टरनून सारिका भाई. जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ. और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर दो सो दैट हम स्टार्ट करें आज का सेशन. तो स्टार्ट करने से पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज जो लोग यूपीएससी पीएफओ की कोचिंग करना चाहते हैं क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए रनिंग बैच है. दैट इज वेरी वेल गोइंग और बहुत ही मस्त टीम के साथ ये बैच चल रहा है. एंड यस यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज अभिमान. इससे आपको टेस्ट बुक पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो मेरी तरफ से एक प्यार है टीम की तरफ से एक प्यार है. उसके बाद अगर आप सी एच एस एल की कोच क्लासेस करना चाहते हो सो उसके लिए भी रनिंग बैच है जिसमें आपको 240 प्लस लाइव क्लासेस 90 प्लस टेस्ट 8000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन 130 प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. एंड यस डू रिमेम्बर द रेफरल कोड दैट इज अभिमान. इस कोड से आपको सब्सक्रिप्शन के लिए 20% का डिस्काउंट मिलेगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. टेस्टबुक सेलेक्ट इंट्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल स्किल कैटेगरी जिसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल सकती है वेब डेवलपमेंट डेटा एंट्री डिजिटल मार्केटिंग पाइथन प्रोग्रामिंग वर्डप्रेस डेवलपमेंट और एडवांस एक्सेल. सो यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेशन. इसका बेनिफिट क्या होगा कि भाई घर बैठे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जिससे आप अपना खर्चा उठा सकते हो किसी पे बर्डन नहीं बनोगे. क्लियर. तो चलिए वेरी गुड आफ्टरनून सौद काजल वेरी गुड आफ्टरनून. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट अगेन. सो जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर बता दो ये क्वेश्चन उसके बाद मैं समझाऊंगा. मैं प्रोफाइल एक बार डाउन कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन मेरे पीछे छिप रहे हैं. ठीक है चलिए सॉल्व करिए. सौद जस्ट नीचे एक support@testbook.com पर मेल डाल दो और ये नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा है. आप अपनी प्रॉब्लम इस नंबर पे डिस्कस करो. दे विल हैंडल इट प्रॉपरली. ओके सौद. स्टिल अगर रिप्लाई ना मिले तो डू टेल मी आफ्टर दैट आई विल हैंडल दैट इश्यू. ओके सबसे पहले आप एक बार इस नंबर पे कॉल करिए या फिर support@testbook.com पर मेल डाल दो. डन.
वेरी गुड आफ्टरनून अंकिता। ओके अंकिता, होप यू विल बी फाइन सून। जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ आप। हमारी यही दुआ रहेगी अपने रब के आगे। वेरी गुड आफ्टरनून अक्षया। वेरी गुड सौद, शाबाश सारिका, वेरी गुड। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई बहुत टाइम ले लिया आपने। तो हिंदी में ये क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज एट पीपल आर सिटिंग अराउंड टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और उसमें उसने हमें सबसे बड़ी बात है कि चारों लोगों के नाम भी बता दिए हैं कि आउटर सर्कल में कौन बैठ रहा है और इनर सर्कल में कौन बैठ रहा है। तो हम ये डेटा नोट डाउन कर लेते हैं। आउटर सर्कल में जो बैठ रहे हैं उनके अपने पास नाम दे रखे हैं उसने, लविश, रोहन, हिबा एंड निशा। तो कोई नंबर कोलैप्स ना करे, अदरवाइज इट विल बी ऑल ओके। एंड इनर सर्कल के भी चारों लोगों के नाम बता दिए हैं उसने हमें, कृतिका, अनुराग, धवनी एंड अंकुश। एंड दे लाइक डिफरेंट कलर्स और उन्हें हमें उन्होंने उनकी शर्ट्स के कलर्स बता दिए हैं। जो शर्ट के कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। थोड़ी सी नई चीज लेके आया हूं आप सबके लिए। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें सिटिंग और पजल में जब लेंदी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसके लिए। तो ये हमें डेटा गिवन है और हमें क्या गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग ये रहा कि ये जो 8 लोग हैं कुछ ऐसा बैठे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कहता है, एट मोस्ट टू पीपल आर वेयरिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 कलर्स बताए गए थे तो सभी को कलर्स दो दो के पास जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सर्कल पर्सन इन द सर्कल इज सेम एंड पीपल सिटिंग इन द इनर सर्कल फेसिंग पीपल सिटिंग इन द आउटर सर्कल। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इनर सर्कल वाले कुछ ऐसे देखते हैं और आउटर सर्कल वाले कुछ ऐसे देखते हैं। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इतना तो हमें कंफर्म हो गया। गॉट इट, डन। उसके बाद बोला गया डिस्टेंस इक्वल है। ओके, नो टू पर्सन वेयरिंग सेम कलर शर्ट फेसिंग ईच अदर। सेम कलर वाले एक दूसरे को फेस नहीं करते, मींस रेड वाला रेड के साथ नहीं आएगा, ग्रीन वाला ग्रीन के साथ नहीं आएगा। हमने एक एग्जाम्पल अपने पास रख ली है कि दिस इज नॉट फिजिबल, दिस वॉज द थिंग, डन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो क्या बोलता है, धवनी इज सिटिंग एट एन एंगल ऑफ 270 डिग्री। आज तो यार हम आपके सामने आ सकते हैं, आज छुपने वाली बात नहीं है कि नहीं। तो आज ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई, एकदम मस्त मतलब कंसेप्ट लेके आए हैं। चलिए, सो धवनी इज सिटिंग एट एन एंगल ऑफ 270 डिग्री क्लॉकवाइज टू लविश हु इज वेयरिंग ग्रीन शर्ट।
तो भाई मुझे लविश के बारे में पता है कि लविश कहाँ पर बैठता है, आउटर सर्कल में बैठता है, चलो लविश हमने यहाँ रख दिया। एंड धवनी सिटिंग एट एन एंगल ऑफ 270 डिग्री, और धवनी कहाँ पर बैठती है, इनर सर्कल में बैठती है, इतना याद रखिएगा। 270 डिग्री कैसे बनेगा बेटा, क्लॉकवाइज 180 प्लस 90, तो धवनी कंफर्म इस प्लेस पे आ गई, धवनी कंफर्म इस प्लेस पे आ गई। हम सर्कल थोड़े से बड़े कर लेते हैं अपने, सो दैट हमें नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। तो भाई हमें बोला गया धवनी सिटिंग एट एन एंगल ऑफ 270 डिग्री फ्रॉम लविश, तो लविश अगर हम यहां रखते हैं तो धवनी कंफर्म इस प्लेस पे आएगी, धवनी कंफर्म इस प्लेस पे आएगी। हु इज वेयरिंग ग्रीन शर्ट, सो आई एम श्योर इनफ लविश इज वेयरिंग ग्रीन शर्ट। इज इट क्लियर टू ऑल, इतना सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हिबा इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु इज फेसिंग कृतिका। हिबा किसके ऑपोजिट बैठती है, हु इज फेसिंग कृतिका, तो हिबा कृतिका के जो भी सामने है उसके ऑपोजिट बैठी है, उसके ऑपोजिट बैठी है, हमें ये बोला गया है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। इतना क्लियर सभी को, इतना क्लियर सभी को, कोई प्रॉब्लम यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं हमें, द वन हु इज वेयरिंग ब्लू इज फेसिंग द पर्सन हु इज फेसिंग ग्रीन, तो जो ब्लू वाला है वो ग्रीन के सामने है, ब्लू वाला जो है वो ग्रीन के सामने है। भाई अब ग्रीन दो है तो भाई दोनों में से किसी भी हो सकता है ना। डन, हिबा इज फेसिंग द वन हु इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज टू वन हु इज वेयरिंग रेड। सो हमें क्या बोला गया, हिबा जो है किसके 90 डिग्री पे है, रेड के 90 डिग्री एंगल पे कौन बैठी हुई है, हिबा बैठी हुई है। दैट डिपेंड्स आप कैसे लिखना चाहते हो, भाई मुझे ये समझ आ जाएगा इसलिए मैंने यूं लिख दिया है। डन, इतना क्लियर। रेड के 90 डिग्री एंगल पर कौन बैठी हुई है, क्लॉकवाइज हिबा बैठी हुई है, ये हम क्लॉकवाइज भी लिख लेते हैं। चलिए, रोहन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ निशा, तो रोहन और निशा पड़ोसी नहीं है, रोहन और निशा जो हैं वो पड़ोसी नहीं है, रोहन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ निशा। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल। और एक तरफ हमें नाम बोले गए थे जो अनुराग एंड अंकुश, तो एक नाम अनुराग था एक अंकुश था, तो कंफ्यूजन ना हो जाए क्योंकि दो नेम थे इसलिए हमने अंकुश यहां लिख लेते हैं। धवनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट, तो धवनी जो है ब्लू वाले की पड़ोसी नहीं है, ये कंफर्म था, धवनी जो है ब्लू वाले के पड़ोसी नहीं है। तो इससे क्या चीज क्लियर हो जाएगी बेटा हमें, धवनी अगर ब्लू वाले के पड़ोसी नहीं है तो इससे क्या चीज क्लियर हो जाएगी, धवनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु इज हैविंग ब्लू कलर, धवनी इज नॉट वन हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट, तो धवनी का पड़ोसी जो है वो ब्लू कलर वाला तो कंफर्म नहीं होगा, धवनी का जो पड़ोसी है नेबर है वो ब्लू कलर का नहीं होगा, नेबर के बारे में ये बोला जा रहा है। देन लविश इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन वेयरिंग येलो शर्ट, तो लविश जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन जो येलो शर्ट है उसके लेफ्ट में है, तो इससे क्या चीज क्लियर हो गई थी, येलो विल बी एट दिस प्लेस,
ये कंफर्म हो गया कि येलो यहीं पे आएगा। कितना क्लियर बच्चे? अनुराग इज फेसिंग द वन हु इज ऑपोजिट टू निशा। अनुराग किस व्यक्ति को देख रहा है जो निशा के ऑपोजिट है? अनुराग किस व्यक्ति की ओर देख रहा है? हु इज ऑपोजिट टू निशा, जो निशा के ऑपोजिट है। गॉट इट? डन? इतना क्लियर? सो दिस वॉज द डेटा गिवन टू अस। बताइए किस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे? बताइए किस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे? आज आप बताओगे। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए किस डेटा को कैसे यूज करना है। मैं आपके रिप्लाईज की वेट कर रहा हूं। हाउ धवनी केम हियर? तो धवनी क्यों आया है अक्षया? क्योंकि हमें बोला गया था, धवनी के बारे में एक डेटा गिवन था, धवनी इज 270 डिग्री क्लॉकवाइज ऑफ लविश। तो बेटा लविश मुझे पता है आउटर सर्कल में था एंड दे आर फेसिंग इनसाइड, तो ये इनसाइड आ गया 270 डिग्री क्लॉकवाइज। 270 डिग्री क्लॉकवाइज यहां तक 180 था, 270 यहां पर बनता है। और मुझे पता था धवनी इज इन द इनर सर्कल, इसलिए बेटा कंफर्म हुआ था धवनी यहां पर आएगी। लविश एंड धवनी फर्स्ट, वो तो डेटा यूज कर चुके हैं सौद, वो तो डेटा यूज कर चुके हैं। लविश और धवनी तो मैं पहले ही यूज कर चुका हूं, येलो को भी प्लेस कर चुका हूं। उसके बाद बताइए किस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे? उसके बाद बताइए किस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे? So, हमें एक बात बोली गई थी, हिबा इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऑफ रेड। हिबा इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऑफ रेड। तो एक चीज तो मैं कंफर्म हो चुका हूं कि हिबा यहां पर तो नहीं आ सकती। हिबा एंड कृतिका, हिबा और कृतिका के साथ क्या इंफॉर्मेशन था? हिबा और कृतिका के साथ क्या इंफॉर्मेशन था? कृतिका इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु इज ऑपोजिट टू हिब्बा, यही था। धवनी के इमीडिएटली ब्लू नहीं आएगा सो उसके ऑपोजिट आएगा। धवनी के इमीडिएटली ब्लू नहीं आएगा तो उसके ऑपोजिट आएगा। चलो ये भी सही था कि यहां पर हमने ब्लू कलर रख दिया, यहां पर हमने ब्लू कलर लिख दिया। चलो ये भी अच्छी बात है पल्लवी, वेरी गुड। आगे बताइए और क्या डेटा है? धवनी के इमीडिएट ब्लू नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट ब्लू आएगा, ये कंफर्म कैसे हो सकता है बेटा? हो सकता है धवनी खुद का ही ब्लू हो, हो सकता है धवनी खुद का ही ब्लू हो, तो ये तो कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। कुछ और बताओ। बेटा एक हिबा वाला डेटा था, वो मैं कंफर्म यूज कर सकता था, दैट हिबा इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम रेड कलर। हिबा 90 डिग्री ऑफ रेड है, ये मैं कंफर्म यूज कर सकता था। तो क्या मैं ये डेटा यूज कर सकता हूं कि यहां पर रेड कलर रख दें और यहां पर हिबा रख दे, यहां पर हिबा रख दे? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? और ऐसा जरूरी भी नहीं है। अब यहां पर
जरूरी भी नहीं है कि रेड बाहर आए, रेड अंदर भी आ सकता है, रेड अंदर भी आ सकता है, उसका भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज हिबा यहीं पर आएगी, हिबा कंफर्म है कि यहीं पर आएगी, रेड के बारे में हमें कोई कंफर्मेशन अभी नहीं थी, इज इट क्लियर टू ऑल। लेकिन हाँ, हिबा के साथ एक इंफॉर्मेशन थी दैट ये डेटा आपके सामने गिवन है, हिबा इज ऑपोजिट टू द वन हु इज फेसिंग कृतिका हु इज नॉट वेयरिंग येलो। तो इससे मुझे क्या क्लियर हो गया था, हिबा इज ऑपोजिट टू वन हु इज फेसिंग कृतिका, तो भाई एंड हु इज नॉट वेयरिंग येलो, तो बेटा कृतिका आपकी कहां पर आ सकती थी, क्योंकि हिबा अगर आपने कंफर्म कर दी है तो कृतिका मुझे कंफर्म हो गई थी कि कृतिका विल बी एट दिस प्लेस, कृतिका विल बी एट दिस प्लेस, गॉट इट। कृतिका के ऑपोजिट जो पर्सनैलिटी है उसके सामने कौन बैठा हुआ है, हिबा बैठी हुई है, इज इट क्लियर टू ऑल। तो कृतिका कंफर्म हो गई थी, धवनी कंफर्म हो गई थी, रेड हमी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कृतिका के सामने हिबा आएगी ये कंफर्म था, मींस कृतिका के जो ऑपोजिट होगा उसके सामने। अब कौन बचा था, वन वॉज अनुराग एंड वन वॉज अंकुश। अनुराग और अंकुश के साथ कोई डेटा था, तो हाँ डेटा था, अनुराग के साथ हमें लास्ट में एक डेटा दिया गया था, अनुराग इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू निशा। अनुराग के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, अनुराग इज फेसिंग द वन हु इज ऑपोजिट टू निशा, तो बेटा निशा आपकी कहां पर, अब अगर यहां पर रखते हो तो अनुराग कंफर्म कहां आ सकता है, यहां पर, और तो कहीं पॉसिबल नहीं था, और तो कहीं पॉसिबल नहीं था, तो कंफर्म यहां पर निशा आ गई, और यहां पर कौन आ जाएगा, अनुराग आ जाएगा, तो अनुराग भी हो गया, तो यहां पर कौन आ जाएगा, अंकुश आ जाएगा, गॉट इट। इतना क्लियर और नॉट, अंकुश कंफर्म हो गया, अनुराग कंफर्म हो गया, कृतिका कंफर्म हो गई और धवनी कंफर्म हो गई है, ये तीनों लोग तो कंफर्म हो गए हैं, यहां धवनी, यहां निशा थी, निशा के ऑपोजिट वाले पे अनुराग है, यहां अनुराग आ गया, यहां आपका अंकुश आ गया, और लास्ट जो पर्सन बचा था दैट वाज अभी हमने कंफर्म किया था हिबा के साथ रिलेट करके कृतिका, कृतिका यहां पर आ गई, इतना क्लियर। और अगर निशा हो गई है तो लास्ट एक ही पर्सन बचा था, व्हाट वाज दैट पर्सन, निशा लविश एंड हिबा, निशा लविश एंड हिबा, तो एक रोहन रह गया है, रोहन यहां पर आ गया, रोहन यहां पर आ गया, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, जल्दी बताओ, इतना क्लियर हुआ। अब बात रह गई थी कलर्स की, अब बात रह गई थी कलर्स की, ग्रीन के सामने ब्लू आएगा ये हमें बोला गया था, और धवनी के नेबर्स को ब्लू पसंद नहीं है, तो ये दोनों तो ब्लू नहीं पसंद कर सकते, ये दोनों तो ब्लू आपके पसंद नहीं कर सकते, अनुराग एंड कृतिका, इन दोनों को ब्लू पसंद नहीं होगा, गॉट इट। रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, अच्छा रेड की अभी हमने पॉसिबिलिटी मानी थी, ये रेड हमारा कंफर्म नहीं था, लेकिन दोनों के इसमें से कहीं तो आएगा। अच्छा ग्रीन के सामने हमें ब्लू बोला गया था कि ग्रीन के सामने ब्लू आएगा, तो हिबा के साथ हम ब्लू रख सकते हैं, हिबा के साथ हम ब्लू रख सकते हैं, ग्रीन के सामने ब्लू आएगा ये हमें बोला गया था, गॉट इट। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लविश इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु इज ओके, ये हो चुका था डेटा, जल्दी बताइए बच्चे इतना क्लियर। ग्रेजुएशन ग्रेड बी में, ग्रेजुएशन में बेटा इसके बाद बताइए क्या कौन सा डेटा यूज कर सकते हो, हिबा के साथ एक डेटा था, हिबा इज एट 90 डिग्री ऑफ रेड कलर क्लॉकवाइज, तो रेड के क्लॉकवाइज, येलो ग्रीन ब्लू,
तो लास्ट कलर बचा था ये सेनी डाटा। जल्दी बताओ, ग्रीन के सामने ब्लू है, हमने यूज कर लिया। बताओ 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 जल्दी, कौन सा डाटा यूज नहीं किया अभी तक? तो एक बात थी बेटा, दी वन वेयरिंग ब्लू इज फेसिंग द पर्सन हु इज वेयरिंग ग्रीन, और अंकुश ब्लू वेयर कर नहीं सकता, ये मैं कंफर्म हूं। अब कलर्स के साथ अगर डेटा आपको रिलेट करना है, रोहन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ निशा, ओनली पेयर। ओके दिस वाज, धवनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन वेयरिंग ब्लू शर्ट, सो धवनी इमीडिएट नेबर ऑफ ब्लू शर्ट नहीं होगी। दैट मीन्स कृतिका इज वेयरिंग रेड शर्ट, ग्रीन येलो, रोहन कंफर्म्ड रेड। व्हाई रोहन का रेड कंफर्म क्यों होगा बेटा? रेड इसके साथ भी आ सकता है, रेड इसके साथ भी आ सकता है, दैट इज रेड रेड रेड। ये अनुराग, अनुराग के भी 90 डिग्री पे हिबा आ जाएगी, दैट वाज नॉट अ बिग इशू। ग्रीन और ब्लू ऑपोजिट है, ये हमें कंफर्म है, और ग्रीन और ब्लू अगर ऑपोजिट है अच्छा बेटा एक बात बोली गई थी कि दैट ग्रीन इज इन फ्रंट ऑफ ब्लू, तो ब्लू तो दिशा का पड़ोसी नहीं था, धवनी का पड़ोसी नहीं था, तो ब्लू अगर हिबा का रखा गया है तो ग्रीन यहां आ गया, ग्रीन यहां आ गया। गॉट इट? इतना क्लियर नॉट? ग्रीन हो गया, रेड हो गया। नेक्स्ट, धवनी के ब्लू पड़ोसी नहीं है, दैट वाज राइट। तो धवनी के ब्लू पड़ोसी नहीं है, ब्लू यहां पर भी नहीं आएगा, तो ब्लू अगर धवनी के पड़ोसी नहीं है तो ब्लू धवनी का आ गया, ग्रीन रेड ब्लू हो चुका है। रेड के सामने रेड आ नहीं सकता, ग्रीन हो चुका है, येलो हो चुका है, ब्लू ग्रीन हो चुका है, रेड के सामने रेड आएगा नहीं, तो दो लोगों का रेड है तो रेड इसका आ गया। रेड ग्रीन ब्लू येलो किस, अब लास्ट एक ही कलर बचा है, व्हाट वाज दैट? येलो, येलो यहां पर आ गया, दिस वाज द केस। रोहन का भी येलो, निशा का भी येलो, ग्रीन ब्रेड ग्रीन ब्लू रेड, नो टू ऑपोज नेबर्स, यस इट वाज द राइट आंसर। किसी का ये आंसर है? किसी का ये आंसर है? किसका किसका सॉल्व हुआ था? ब्लू अनुराग का भी हो सकता है बेटा, एक लाइन थी, नो टू कलर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और जैसे ही धवनी का ब्लू रखा है इसलिए अनुराग का ब्लू नहीं रखा, वो आमने सामने आ जाते। क्लियर? ये डेटा दे रखा था यहां पर स्टार्टिंग में ही, नो टू पर्सन वेयरिंग सेम कलर फेसिंग ईच अदर। चलिए एक बार ट्राई करना क्लास के बाद भी, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर जो क्वेश्चन का था। क्लियर? इस क्वेश्चन ने बहुत टाइम ले लिया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ट्राई करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो आमने सामने वाले लोगों के बारे में बताया गया है हमें, तो कौन सा डिफरेंट आ जाएगा इसमें से? तो आंसर विल बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। धवनी एंड अनुराग इज डिफरेंट, धवनी एंड
अनुराग इज डिफरेंट, दिस विल बी द आंसर. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन ऑफ अंकुश एंड वन हु इज वेयरिंग येलो कलर शर्ट इन क्लॉकवाइज. रोहन रेड, रोहन का येलो है भाई, रोहन का रेड क्यों होगा? सौद, रेड धवनी के सामने वाले पर्सन अंकुश का है, अनुराग का सॉरी. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या था? अंकुश और, तो दो एंगल बनते हैं बेटा, 90 डिग्री भी बनता है और 270 डिग्री भी बनता है. 90 डिग्री भी बनता है और 270 डिग्री भी बनता है. सो इट वॉज फिफ्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फेसिंग हिब्बा? हिबा को कौन फेस कर रहा है? वेरी गुड. तो हिबा को फेस कर रहा था अंकुश. वेरी गुड, अंकुश वॉज द राइट आंसर. वेरी गुड शुभ, अंकुश वॉज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? So, इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वॉज थर्ड वन. थर्ड वन वॉज राइट. वेरी गुड, थर्ड वन वॉज राइट. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पीपल फेस अवे फ्रॉम द सेंटर? सेंटर से कितने लोग बाहर देखते हैं? हाउ मेनी फेस पर्सन फेस अवे फ्रॉम द सेंटर? कितने लोग सेंटर से बाहर की ओर देखते हैं? ये अगले क्वेश्चन का आंसर है ना, ये अगले क्वेश्चन का है भाई. वेट वेट वेट, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उन्होंने गड़बड़ कर दिया. चलिए ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए जरा. दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व करके आंसर बताओ जरा. एक बार मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं. चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा. ग्रेड बी अटेंडेंट में कर सकते हो, बट आपकी अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है तो वैसे ही अटेंडेंट के लिए, उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए तो साफ मना किया.
अंकित भैया नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, दोनों में 60 चाहिए। वेरी गुड सारिका, शाबाश बेटा। चलिए अप्रोच करते हैं बेटा इसके बाद, नहीं तो टाइम कम रह जाएगा, फिर बात नहीं बनेगी। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन हियर? एट पीपल, चार्ली, जेन, जस्टिन, जॉनसन, एलेक्सा, एलिजा, सेलिना आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग बोथ डायरेक्शन, मीन सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। सो देर इज अ रेक्टेंगुलर टेबल, फोर ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर। सो फोर ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड फोर ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ ईच साइड, दैट वॉज फॉर श्योर। एंड डिफरेंट एजेस वर गिवन टू अस, दैट वॉज 5, 7, 18, 24, 30, 44, 56 एंड 62। हाँ जरूर भैया जरूर। नेक्स्ट, जॉनसन हु फेसेस आउटसाइड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चार्ल्स बट ही इज नॉट 56 ईयर ओल्ड, तो बट किसके लिए? जॉनसन के लिए। तो इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? होल्ड पे रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कौन आउटसाइड है और कौन इनसाइड है और किस साइड पे बैठे हैं, क्योंकि लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड का इसमें इश्यू रहता है। तो इस डेटा को होल्ड पे रखते हैं। जॉनसन फेसेस आउटसाइड एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ चार्ल्स बट जॉनसन इज नॉट ऑफ 56 ईयर ओल्ड, दैट वॉज फॉर श्योर। नेक्स्ट, एलिजा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जस्टिन हु सिट्स ऑन द लॉन्गर साइड एंड फेसेस आउटसाइड। सेकेंड इंफॉर्मेशन अपने पास आई, एलिजा थर्ड राइट ऑफ जस्टिन हु सिट्स ऑन द लॉन्गर साइड, सो आई एम जस्ट राइटिंग एल हियर, एंड फेसेज आउटसाइड, सो इट वॉज फॉर एलिजा, एलिजा इज ऑल्सो फेसिंग आउटसाइड। इज इट क्लियर टू ऑल? जस्टिन इज ओल्डर देन सेलिना, सो ये एज का कंपेरिजन भी कर रहा है। जस्टिन इज ओके, यहां पर नाम भी भाई खतरनाक खतरनाक है, सब सिमिलर नेम्स आ दिया तो रिस्क नहीं ले पाएंगे। इट वॉज जॉनसन, ये रिस्क नहीं ले पाएंगे, यहां पर ये जॉनसन था एंड ये चार्ल्स था। अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ के क्लियर हो गया, ये चार्ल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज एलिसा और एलिजा जो बोल दो, एंड इट वॉज जस्टिन, जस्टिन हमने लिख दिया है। जस्टिन इज ओल्डर देन सेलिना, जस्टिन इज ओल्डर देन सेलिना एंड एज गैप बिटवीन देम इज सेम एज गैप बिटवीन चार्ल्स एंड चार्ली, चार्ल्स एंड चार्ली। जो एज गैप चार्ल्स और चार्ली के बीच में है वही जस्टिन और सेलिना के बीच में है। तो भाई एज गैप किसमें सेम दे रखा है, एज गैप किसमें सेम दे रखा है केवल ये बता दो। तो एज गैप जो सिमिलर था वो किन किन एजेस में था? तो एक तो अपना एजेस जो थी दैट वाज 18 और 24, और एक 24 और 30, ये पेयर है, दोनों में 6-6 का गैप है। या फिर दूसरा गैप वाज बिटवीन 18, 30 एंड 56, इट वाज आल्सो फिजिबल, इट वाज आल्सो फिजिबल। क्लियर क्लियर, इतना क्लियर? जल्दी बताओ। ये आपके चार्ल्स हैं और ये चार्ली हैं। 56 एंड 62 में कितने का गैप है? 56 एंड 62, यस, उसमें भी 6 का गैप है। तो भाई 18, 24, 30, 56 एंड 62,
18 और 24, 56 और 62 ये भी हो सकता था. यस, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. सेलिना सेट्स आइदर ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल और एट द कॉर्नर. तो सेलिना के बारे में हमें क्या बोला गया? सेलिना या तो शॉर्टर साइड पे बैठेगी या फिर कॉर्नर्स पे बैठेगी, तो इनडायरेक्टली वो बिगर साइड पे नहीं बैठेगी, ये बोला गया. एज ऑफ पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू जस्टिन इज 6 लेस देन द एज ऑफ चार्ली. इसका मीनिंग क्या था? जस्टिन के सामने जो भी बैठता है उसकी एज चार्ली से 6 कम है, उसकी एज चार्ली से 6 कम है. चार्ली 6 ईयर ग्रेटर देन दिस पर्सनैलिटी, जो भी ये होगा. डन. थ्री पीपल सिट बिटवीन चार्ली हु इज द एल्डेस्ट पर्सन एंड सेलिना हु इज फेसिंग द सेंटर. चार्ली वेर 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 जस्टिन इज ओल्डर देन सेलिना, दैट वॉज यूज दिस डेटा वी हैव. थ्री पीपल सिट बिटवीन चार्ली. भाई साहब क्या हो रहा है ये? थ्री पीपल सिट बिटवीन चार्ली हु इज द एल्डेस्ट पर्सन मीन्स चार्ली इज ऑफ 62. चार्ली इज ऑफ 62, ये हमें कंफर्म कर दिया उसने. एंड सेलिना हु इज फेसिंग द सेंटर, सो सेलिना इज फेसिंग द सेंटर, सेलिना इज फेसिंग इनसाइड. इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. एलिसा फेस सेम डायरेक्शन एज ऑफ सेलिना, मीन्स एलिसा इज ऑल्सो फेसिंग सेंटर. हाँ, वट वॉज दिस बेटा? एलिसा आउटसाइड गिवन था हमें. सेलिना हु इज फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर, सेलिना इज फेसिंग सेंटर. एंड हेयर ही इज सेइंग एलिसा फेस सेम डायरेक्शन एज सेलिना, बट क्वेश्चन में हमें एलिसा फेस आउटसाइड दे रखा था. वट वॉज दैट? एलिसा सिट्स टू द राइट ऑफ जस्टिन हु सिट्स ऑन द लॉन्गर साइड. वेयर इट वॉज दिस डेटा? एलिसा जस्टिन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, जो कि लंबी भुजा पर बैठा है और बाहर के सम्मुख है. इट वॉज अबाउट जस्टिन, दैट जस्टिन इज फेसिंग आउटसाइड. ये जस्टिन के बारे में था क्या? अगर जस्टिन के बारे में है तो एलिसा विल फेस इनसाइड, एलिसा विल फेस इनसाइड. ये हमने एंड और हु की गलती की है. चलिए देखते हैं. एलेक्सा सिट्स ऑपोजिट टू जॉनसन. एलेक्सा सिट्स ऑपोजिट टू जॉनसन हुज एज इज 4 ईयर्स मोर देन द 8 टाइम्स ऑफ एलेक्सा एज. तो जॉनसन की जो एज है एलेक्सा की एज के 8 मल्टीपल से 4 ज्यादा है. सो 8 5 40 + 4 44. तो इस समय ये क्लियर हो गया कि एलेक्सा इज ऑफ 5 एंड जॉनसन इज ऑफ 44. इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? यस. जस्टिन इज आउटसाइड. यस यस यस. डन. इतना क्लियर सभी को? ओ शिट, 249 इट इज. भाई साहब सीरियसली सॉरी,
भागना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया घड़ी की ओर। चलिए अभी देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ चार्ली स्क्वायर ऑफ 5 एंड दे बोथ फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। सो डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ चार्ली, चार्ली के जो भी इमीडिएट नेबर्स हैं उन दोनों की एज का डिफरेंस जो है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ 5 है। तो भाई 5 का स्क्वायर किसके डिफरेंस में आ रहा है, जल्दी बताओ 5 का डिफरेंस किसके स्क्वायर में आ रहा है, किसकी एजेस का डिफरेंस 5 आ रहा है। सो 30 माइनस 5, सो फॉर श्योर भाई चार्ली का एक लेबर कौन हो, नेबर कौन होगी, एलेक्सा होगी, एलेक्सा इज ऑफ 5 एंड अनदर नेबर इज ऑफ 30, यही होगा। गॉट इट, इतना क्लियर नॉट। आरबीआई रेंडेंट की काजल बैच चल रहा है एंड यस यू कैन यूज रेफरल कोड अभिमान जिससे आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। डन, यही था आगे क्वेश्चन। यस, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, दिस वाज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। अब किस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं ये बता दो। सो जस्टिन इज ऑन द लॉन्गर साइड, facing outside and Alyssa is third right of Justin. So Alyssa will be at this place and she is facing inside. And she is facing inside. Is it clear to all? Itna use kar sakte the data. Done. Yes, Justin and Alyssa will be used. That was for sure. Why I'm writing Justin here? So it's 251, seriously. मैं एक बार आपको ना एग्जैक्ट आंसर जरूर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कम से कम हमें आंसर्स तो दिमाग में रहे। What will be the exact answer, मैं आपको वो बता रहा हूं। Justin outside, Justin के सामने चार्ल्स आ जाएगा, चार्ल्स विल बी ऑल्सो आउटसाइड, चार्ल्स के एक एंड पे एलेसा थी और दूसरे एंड पे एलेक्सा आ जाएगी, एलेक्सा की एज 5 थी एंड एलेक्सा एंड एलेसा इज फेसिंग इनसाइड एंड एलेक्सा इज फेसिंग आउटसाइड। जस्टिन के साथ आपके जॉनसन और जेन आ जाएगा, जस्टिन के राइट साइड पे जॉनसन है और इस तरफ जेन है, जॉनसन इज फेसिंग आउटसाइड एंड जेन इज आल्सो फेसिंग आउटसाइड, जॉनसन इज ऑफ 44 एंड जेन इज ऑफ 30, एलेसा आपके चार्ल्स के लेफ्ट में है, एलेसा चार्ल्स के लेफ्ट में है और एलेसा की एज 7 है, चार्ल्स इज ऑफ 56, शॉर्टर साइड सेलिना और चार्ली, इस तरफ सेलिना आ जाएगी, इस तरफ चार्ली आ जाएगा, सेलिना 18 एंड चार्ली 62, ये हमने किया भी था, चार्ली 62 है और सेलिना इज फेसिंग द सेंटर, ये हमें गिवन था, चार्ली रह गया, चार्ली इज ऑल्सो फेसिंग द सेंटर। दिस वॉज द एजेस एंड डेटा, ये सिटिंग अरेंजमेंट है भाई। टाटा बाय बाय, इट वॉज नाइस मीटिंग यू ऑल, बहुत तेजी से भागना पड़ेगा, थैंक्स अलॉट, जय हिंद। टाइम बहुत कम है मुझे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने में, बाकी नेक्स्ट टाइम में अगर नहीं समझ आया तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलिए, थैंक्स अलॉट, जय हिंद।